नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। क्या दोस्तों आप जानते हो कि IPC की कौन सी धाराएं ऐसे व्यक्ति को दंडित करती है जो सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं या हंगामा करते हैं। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे होकर सरकार की नीति का विरोध करते हैं। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा, किसान आंदोलन हो रहा था, किसान सरकार की नीति या सरकार द्वारा जो किसी कानून लाया गया था उनका विरोध कर रहे थे। और अभी वर्तमान में भोपाल में दोस्तों एक आंदोलन हुआ था जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता शिवराज सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे तथा विधि विरुद्ध जमाव में इकट्ठे होकर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, ये जरूरी है। हजारों की संख्या में नारेबाजी कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, बलवा कर रहे थे तथा विधि विरुद्ध जमाव के विरुद्ध सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति को IPC के किन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जाता है और ऐसे व्यक्तियों को कितने साल तक की सजा हो सकती है, दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि ऐसे व्यक्तियों पर IPC की कौन सी धारा लगाई जाती है और उन्हें कितने साल की सजा होती है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आवे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों IPC की धारा 141 से लेकर 160 तक मैं आज इस वीडियो से आपको स्पष्ट कर दूंगा कि ऐसे व्यक्तियों को कितने साल की सजा और किन धाराओं के तहत अरेस्ट किया जाता है। दोस्तों IPC का अध्याय 8 बात करता है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के बारे में। धारा 141 कहती है विधि विरुद्ध जमाव, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहलाता है, लेकिन 5 से अगर कम व्यक्ति है तो वह जमाव विधि विरुद्ध जमाव नहीं कहलाता है। व्यक्तियों की संख्या 5 या 5 से अधिक होनी चाहिए। उनका सामान्य उद्देश्य यानी कि कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि किसी सरकार की नीतियों का विरोध करना तथा हंगामा करना। इसमें दोस्तों 5 पॉइंट आवश्यक है धारा 141 में। आपराधिक बल या उसके प्रदर्शन द्वारा राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार या संसद या राज्य विधानमंडल के किसी लोक सेवक को आतंकित किया जाता है। दूसरा, किसी विधि या विधिक प्रक्रिया के निष्पादन में अवरोध उत्पन्न या बाधा उत्पन्न की जाती है, यानी कि इसका मतलब यह है कि सरकार द्वारा कोई नीति या विधि बनाई गई है तो आप उस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। और तीसरा पॉइंट कहता है कि दृष्टि आपराधिक अतिचार एवं अन्य अपराध किया जाता है आपके द्वारा, उस विधि विरुद्ध जमाव द्वारा अपराध किया जाता है दृष्टि का, किसी बस को जला दिया जाता है या आपराधिक अतिचार किया जाता है या कोई अन्य अपराध किया जाता है। और चौथा पॉइंट कहता है कि वह व्यक्ति जिनके विरुद्ध आपराधिक बल या उसके प्रदर्शन द्वारा उसकी संपत्ति को अधिपत्य किया जाता है और उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया जाता है। और पांचवा पॉइंट दोस्तों कहता है कि किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है कि वह कार्य करने के लिए विधि द्वारा बाध्य नहीं है। इसके बाद धारा 142 विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य। दोस्तों वह हर व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होता है जिसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर हंगामा कर रहे हैं सरकार के खिलाफ या किसी राज्य सरकार के खिलाफ या केंद्र सरकार के खिलाफ इकट्ठे होगा तो वह सदस्य विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य कहलाएंगे। दोस्तों इसीलिए कहते हैं आप कहीं पर किसी व्यक्ति के बुलाने पर उन्होंने कहा आज चलो सरकार की नीतियों के खिलाफ हंगामा करना है, रैली निकालना है, जुलूस निकालना है, नारेबाजी करना है, नेता लोग कहने लगते हैं ना चलो नारेबाजी करना है, तो उन्हें इन्हीं धाराओं के तहत दोस्तों उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। धारा 143 ऐसे व्यक्तियों को दंडित करती है।
जो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है। ऐसे व्यक्तियों को दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 6 महीने या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों को दोस्तों 6 महीने तक की सजा हो सकती है। फिर इसके बाद दोस्तों अगली धारा आती है, धारा 144। धारा 144 कहती है घातक आयुधों से साजित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना। अगर कोई व्यक्ति घातक हथियारों के साथ विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होता है तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकती है या जुर्माना या दोनों हो सकता है। दोस्तों आप सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है और घातक हथियारों से लेकर पहुंच गए, यानी कि हथियार लेकर हंगामा कर रहे हैं, तो आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है। धारा 144 कहती है। इसके बाद आती है धारा 145। किसी विधि विरुद्ध जमाव के बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है। हर व्यक्ति जानता है जो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है कि विधि विरुद्ध जमाव के बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, फिर भी आप उसमें सम्मिलित होते हैं या बने रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को 2 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। फिर इसके बाद आती है दोस्तों धारा 146। बलवा विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य द्वारा बलवा किया जाता है। बलवा में दोस्तों बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है। आप विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य भी है, आपने वहां पर किसी बलवा को कारित कर दिया या बल या हिंसा कर दी, किसी बस में आग लगा दी या किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया, तो इस स्थिति में आपको कितने साल की सजा दी जाएगी। धारा 147 कहती है दंड के बारे में, ऐसे व्यक्ति को 2 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। धारा 45 घातक आयुधों से साजित होकर बलवा करना। आप घातक हथियारों यानी कि घातक हथियारों से लैस होकर बलवा करते हो तो आपको दोस्तों 3 साल तक की सजा हो सकती है, मात्र 3 साल की सजा। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कभी भी हंगामा करना है तो शांतिपूर्वक करो, ऐसा नहीं आप हंगामा कर रहे हो, हथियार लेकर पहुंच जाते हो, बल या हिंसा का प्रयोग करते हो तो आपको 3 साल की सजा होगी या जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसके बाद अगली धारा आती है धारा 149। सामान्य उद्देश्य की बात करती है, उन सभी लोगों का सामान्य उद्देश्य है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करना, सबका उद्देश्य एक ही है। फिर इसके बाद धारा 150। धारा 150 कहती है कि विधि विरुद्ध जमाव के लिए किसी व्यक्ति को भाड़े पर लेना। धारा 151 कहती है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, फिर भी आप उसमें सम्मिलित होते हैं या बने रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को 6 महीने तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। फिर इसके बाद धारा 152। धारा 152 कहती है अगर कोई लोक सेवक बलवा दबाने का प्रयत्न कर रहा है और आप उसके कार्य में विघ्न डालते हो या उसे बाधा पहुंचाते हो तो ऐसे व्यक्ति को 3 साल तक के कारावास से या जुर्माना से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। फिर इसके बाद आती है अगली धारा, धारा 153। धारा 153 कहती है बलवा कराने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति में उत्तेजना फैलाना। अगर बलवा कराने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति में आप उत्तेजना फैलाते हो तो ऐसे व्यक्ति को 6 महीने तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकती है। इसके बाद अगली धारा आती है धारा 153A। धारा 153A कहती है धर्म, मूल वंश, जन्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या उन पर गलत लांछन लगाना। इसके बाद धारा 153B कहती है राष्ट्रीय एकता अखंडता पर गलत लांछन लगाना तथा उनके धर्मों के प्रति गलत भावना रखना। दोस्तों धारा 153 और धारा 153B को वर्गों के बीच शत्रुता फैलाने की धारा भी कहा जाता है। फिर इसके बाद अगली धारा आती है धारा
154, धारा 155 और धारा 156 इन तीन धाराओं से। दोस्तों एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है और कोई प्रश्न इन धाराओं से नहीं बनता है। धारा 154, 55 और 156 इन धाराओं से दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है कि पितृनिहित दायित्व से संबंधित धाराएं हैं। धारा 154, धारा 155, धारा 156 पितृनिहित दायित्व से संबंधित धाराएं हैं। फिर इसके बाद अगली धारा आती है धारा 157। धारा 157 कहती है कि विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संशय देना। आप विधि विरुद्ध जमाव को कारित करने के लिए किसी व्यक्ति को भाड़े पर लाते हो तो उसको संशय या आश्रय देना। ऐसे व्यक्तियों के बारे में धारा 157 बात करती है। ऐसे व्यक्तियों को 6 माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। फिर इसके बाद आती है अगली धारा, धारा 158। धारा 158 कहती है विधि विरुद्ध जमाव या बलवा करने के लिए व्यक्तियों को भाड़े पर ले जाना। फिर इसके बाद अगली धारा आती है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण धारा है, धारा 159 और धारा 160। इन दो धाराओं से कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं दोस्तों। धारा 159 दंगा के बारे में बात करती है और धारा 160 दंगा अगर कोई व्यक्ति करेगा तो उसे 160 के तहत दंडित किया जाएगा। दंगा करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। लोक शांति जिससे विघ्न होती हो, ऐसा कार्य जिससे लोक शांति में बाधा उत्पन्न होती हो, दंगा कहलाता है। दोस्तों धारा 160 में ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाता है। ऐसे व्यक्ति को 1 माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो से आपको धारा 141 से लेकर 160 तक बताया है कि अगर कोई व्यक्ति राज्य सरकार के खिलाफ या केंद्र सरकार के खिलाफ कोई दंगा या हंगामा या बलवा करता है या विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होता है, सरकार की नीतियों का विरोध करता है, तो उन्हें उनके ऊपर किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उन्हें ऐसे व्यक्तियों को अगर दोष सिद्ध कर दिया जाता है कि यह सरकार की नीतियों के खिलाफ दंगा कर रहे थे या बलवा कर रहे थे या विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य थे, तो ऐसे व्यक्तियों को इन सभी धाराओं के तहत दंडित किया जाएगा जो मैंने आपको आईपीसी की धारा 144, 143 में दंड बताया है। उन्हीं के प्रकार, उन्हीं के तहत ऐसे व्यक्तियों को दंडित किया जाएगा। दोस्तों इसलिए आपको कभी भी किसी व्यक्ति का फोन आ जाए, चलो आज सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना है, प्रदर्शन करना है, आंदोलन में शामिल होना है, सरकार की नीतियों का विरोध करना है, तो आप कभी भी नहीं जाइए। आपको जाना है तो जाइए। तो आपको जो धाराएं मैंने बताई हैं इन्हीं धाराओं के तहत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और सजा दी जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को हर एक व्यक्ति तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि इन धाराओं की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, और आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि यह वीडियो कैसा है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।